Hello students, because of this quarantine we are not able to go to school, so I'm thinking of making this video and at least giving you some knowledge regarding the economics of class 12. Before starting with the chapters, I would like to tell you all that your class 12 economics has been divided into two parts. One is microeconomics and the other one is macroeconomics. So, you must be knowing the basic difference between micro and macro. There is a slight difference of I and A. You know, this is I and this is A. So, I here signifies individual and A signifies aggregate. इंडिविजुअल का मतलब होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, अ सिंगल इंडिविजुअल और अ सिंगल हाउस होल्ड. एंड ए दैट इज एग्रीगेट, इसका मतलब होता है टोटल. जब हम लोग पूरे इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट इज योर एग्रीगेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डिमांड, एक पर्सन की डिमांड के बारे में बात करूँ, that is microeconomics, because here we are talking about an individual, right? And if I'm talking about aggregate demand, then that comes as the macroeconomics theory, because here I'm taking the total demand of the economy. Is it clear? Now, it is clear to you all that it has been divided into two parts. One is micro and the other one is macro. Now, microeconomics has been divided into three segments, that is consumers, producers and market. Pura microeconomics part ko teen segment mein divide kiya gaya hai. Ek hai consumer. Consumer kaun hote hain? People who consume goods and services, right? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं फॉर सम इकोनॉमिक गेन, दे आर प्रोड्यूसर्स. एंड द थर्ड वन इज मार्केट. मार्केट यू कैन से इट इज अ सेटिंग और इट इज एन अरेंजमेंट वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड. सो पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट. कंज्यूमर्स के अंडर आपका अलग अलग चैप्टर्स है, लाइक डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे चैप्टर्स. प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सप्लाई, ये सारे चैप्टर्स. मार्केट में आपका मार्केट इक्विलिब्रियम, देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये सारे चैप्टर्स आते हैं. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज डिमांड. नाउ If I'm talking about demand, अगर मैं किसी भी normal person से पूछूं कि what do you mean by demand, तो उनका कहना एक ही होगा, कहना एक ही होता है, like demand का मतलब होता है wish, desire और need. अगर मैं एक common person से पूछूं कि what do you mean by demand, तो ये यही बोलेंगे कि demand का मतलब होता है wish, कि I wish to get a car, that is my demand. I need a car or I desire for an iPhone. वो मेरा होता है demand, एक normal person के point of view से. But if I am talking about economics and in an economic sense, demand is something more than desire, need or wish. Demand, I repeat, demand is something more than wish, desire or need. Let's talk about demand. When we are talking about demand in an economic sense, जब हम लोग economics के term में demand की बात कर रहे हैं, so demand refers to the quantity of the commodity. Means आप कितना amount of the goods and services खरीदना चाहते हैं, right? Quantity of the commodity. सेकेंड इज विलिंग टू. विलिंग टू मतलब होता है कि आपकी खरीदने की इच्छा. विलिंग टू का मतलब होता है
आपकी खरीदने की इच्छा। अगर आपको कोई चीज़ खरीदने की इच्छा ही नहीं है या आप चाहते ही नहीं है खरीदना, वो कभी भी आपका डिमांड नहीं कहलाएगा। प्लीज़ बी वेरी क्लियर विद दिस। विलिंग टू का मतलब होता है व्हेन आपको कोई चीज़ खरीदने की इच्छा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिमांड के लिए, विलिंग टू। द थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ एबल टू। एबल टू की मतलब होता है खरीदने की क्षमता। खरीदने की क्षमता की मतलब होती है कि सपोज मैं मेरा आई डिज़ायर या मेरी इच्छा है एक लंबोर्गिनी खरीदने की, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी टू परचेज दैट, तब वो डिमांड नहीं कहलाएगा। आपके विलिंगनेस के साथ साथ आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उन चीज़ों को खरीदने की। अगर विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है, या एबिलिटी है विलिंगनेस नहीं है, तो वो भी डिमांड नहीं कहलाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? नेक्स्ट इज एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस। At various possible prices का मतलब यह होता है कि market में जो prices चल रहा है, ऐसा नहीं है कि market का prices और आपके खरीदने के prices अलग होंगे। आपका market में जो price चल रहा है उसमें आप कितना खरीदना चाहते हैं, उस prices पे आप कितना amount of the goods खरीदना चाहते हैं। And the third one, the fifth one and the last one, that is during a particular period of time, maybe 1 year, maybe 1 month, maybe 2 month, anything. Is it clear? So, agar aap ye 5 key points yaad rakh rahe hain demand ka, to aapka demand ka definition yahi clear hota hai. Demand refers to the quantity of the commodity that the consumers are willing to, unable to purchase at various possible prices during a given period of time. I repeat, demand refers to the quantity of the commodity that the consumers are willing to and able to purchase at various possible prices during a given period of time. Is it clear? Now, अगर शॉर्ट में देखा जाए, हम बोल सकते हैं कि डिमांड इज इक्वल टू इफेक्टिव डिज़ायर। ये पूछा जाता है व्हाट इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इफेक्टिव डिज़ायर का मतलब ही डिमांड होता है। इफेक्टिव डिज़ायर हम तब बोलते हैं व्हेन आपकी डिज़ायर के साथ साथ आपकी खरीदने की क्षमता है। डिज़ायर का मतलब ही होता है विलिंग टू। आप डिज़ायर कर रहे हैं मीन्स यू आर विलिंग टू बाई दैट गुड, बट जब उस विलिंग टू के साथ आपकी एबिलिटी है खरीदने की, देन दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ डिमांड। नाउ द फर्स्ट वन, एज यू कैन सी हियर, आई हैव रिटन एक्स एंटे डिमांड एंड द सेकंड वन इज एक्स पोस्ट डिमांड। नाउ एक्स एंटे इन इकोनॉमिक्स, वेर एवर यू विल स्टडी दिस वर्ड एक्स एंटे, विच मीन्स planning or willing. Ex ante means planning or willing, and ex post means actually you are buying those commodities. Ex ante demand means when you are planning or willing to purchase certain commodity. Suppose if I say that I am planning to purchase a car, that is ex ante. And if I am saying that I purchased a car, that is ex post demand, which means actually you have purchased those commodities. Pure economics mein ex ante aur ex post जहाँ भी आता है, एक्सेंटे का मतलब होता है प्लानिंग और विलिंग। मतलब आप प्लान कर रहे हो खरीदने की, या आप चाह रहे हो कि खरीदना है, आप एक्चुअली में खरीदे नहीं हो। बट ऑन द अदर हैंड एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, आप एक्चुअल। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड।
नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का या एक हाउसहोल्ड का. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ अ हाउसहोल्ड, देन दैट इज कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द हाउसहोल्ड्स और ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज योर मार्केट डिमांड. प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, आप जो डिमांड का डेफिनेशन लर्न कर रहे हो, लाइक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, इंडिविजुअल डिमांड में आप लिखोगे दैट अ कंज्यूमर स्लैश हाउसहोल्ड, अ कंज्यूमर और हाउसहोल्ड इज विलिंग टू एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. वही चीज जब आप मार्केट डिमांड लिख रहे हो तो सेम डेफिनेशन होगा, खाली अ कंज्यूमर के जगह पे आपको लिख देना है ऑल द कंज्यूमर्स. क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. सपोज अगर मैं मेरे सोसाइटी में 100 फ्लैट्स है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड ऑफ माय फैमिली ओनली, देन दैट विल बी एन इंडिविजुअल डिमांड. ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिमांड ऑफ ऑल द हाउसहोल्ड्स इन माय सोसाइटी, देन दैट विल बी मार्केट डिमांड. या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज हमारे क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अगर मैं किसी एक बच्चे के डिमांड की बात कर रही हूँ तो वो डिमांड कहलाता है इंडिविजुअल डिमांड. अगर मैं सारे बच्चों की डिमांड की बात कर रही हूँ तो वो डिमांड कहलाता है आपका मार्केट डिमांड. होता है एक्चुअल, आप एक्चुअली में कितना खरीद रहे हो, आप एक्चुअली में क्या खरीद रहे हो, दैट इज योर एक्सपोज्ड डिमांड. Am I clear? Now, the